इम्पॉर्टेंट बात है कि एक मैसेज हम लोग भेज रहे हैं सबको कि आंचलिक पार्टी 20 सीट जो रिजर्व है उससे बाहर भी लड़ने के लिए तैयार है और हमारे पास क्षमता है कि हम कॉन्टेस्ट करें। तो जहाँ जहाँ मैंने देखा है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज बारिश भी बहुत जगह में है तो बहुत जगह में जा भी नहीं सका, लेकिन मैं वापस परसों आ रहा हूँ, नाइट हॉल्ट भी कर रहा हूँ और फिर से मैं प्रोग्राम करूँगा यहाँ में। और जहाँ तक मैं गया, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। जितने का कितना कॉन्फिडेंस है आगे? देखो, इलेक्शन में हार जीत तो रहता है, लेकिन फाइट करने का मूड है। और मैंने देखा है बहुत लोग ज़मीन में निकलते हैं सिर्फ कॉन्टेस्ट करने के लिए, हम लोग ज़मीन में निकलते हैं अपना फाइट करने के लिए। इसके लिए हमने कहा जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन एक फ़ाइट ज़रूर करके दिखाएंगे हम लोग। तो आज क्योंकि हमने ये चैलेंज लिया, इसी के लिए हमने चैलेंज क्यों लिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। अगर आज हम सुरमा में अपना कैंडिडेट नहीं देते तो 2-3 महीने बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन है, तो वो हमारे तिपरा से लोग आज किसको वोट करते हैं? हमने हमेशा हम लोग जो तिपरा सा, जिसमें मैं चाकमा को भी अपना समझता हूँ, मैं मौक सबको अपना समझता हूँ, हम लोग जब इलेक्शन फाइट करते हैं तो हम हमेशा अपने ही 20 सीट को देखकर फाइट करते हैं। इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़े और अपना बेस सब जगह में लगाएं और ये होगा। देखो एक मिनट, होल्ड ऑन, गाइस इंटरव्यू चल रहा है यार, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, पहले तो सुनने को मिलता था कि अगर तिपरा उठाएगा तो बहुत सारा दंगा हंगामा ऐसा हो जाएगा, लेकिन रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि सिर्फ त्रिपुरा सा लोग ही नहीं, बंगाली लोग भी त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सपोर्ट करता है मैं वेलकम करता हूँ। सब लोग ने कहा था कि त्रिपुरा मोथा आएगा तो हंगामा होगा, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कभी भी कोई भी जनजाति अगर अपना डिमांड रखे तो वो सिर्फ वायलेंस के थ्रू रखता है। लेकिन आज का जनजाति जो तिपरासा है, जो इंडिजिनस है, कोई भी हो, हम लोग जानते हैं कि हम अपना अधिकार डिमांड शांति से कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं, पॉलिटिकली कर सकते हैं। आप देखो, हम लोग अगरतला में हमने रैली किया, इतने से बड़ा रैली हुआ है वहाँ, लेकिन एक भी झगड़ा नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे कि कोई और पार्टी वहाँ में रैली करता तो वहाँ में झगड़ा शुरू हो जाता। तो समय बदल रहा है, तिपरासा समझ चुका है कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, शांति से पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली अपना अधिकार के लिए फाइट करो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको देखकर बहुत लोग आ रहे हैं सामने और बहुत लोग जानते हैं कि ये जो हम, मैं थानसा के बारे में बात करता हूँ, मुनखाट हो, थानसा हो, मैं क्यों बात करता हूँ, आप और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है। आप चकमा हो, आप कलोई हो, आप जमतिया हो, आप देपरमा हो, आप रियांग हो, आप मणिपुरी हो, हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई हमको देखकर नहीं समझ सकता कि हम कौन हैं। हमारा प्रॉब्लम एक, हमारा परिस्थिति एक, तो हम क्यों नहीं एक होकर अपना डिमांड शांति से उठाए। और जो लोग हमको बोलते हैं कि ये लोग वायलेंट है, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। आज हम लोग एजुकेटेड है, आज आपके पास केबल चैनल्स है, आज आपके पास मोबाइल्स है, आपके पास कम्युनिकेशन है। हम लोग बदल चुके हैं और हम लोग अब अपना अधिकार अच्छे तरीके से सामने में रखने जान चुके हैं। और तिपरा मोथा इज़ अ प्लेटफॉर्म कि हम सब एक होकर आगे आए। महाराज, कितना हम लोग का वोट बैंक कैसे देखा पाएंगे? वोट बैंक नहीं होता है, वोट अधिकार होता है। वोट बैंक तो ये लोग ने बना के रखा है कि ये मुसलमान ये वोट बैंक है, हिंदू बंगाली ये वोट बैंक है, तिपरा साहब 20 सीट पे फाइट करेगा वो वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारा वोट अधिकार है। और मैं आपको बोलने वाला हूँ एक बात कि जो हम लोग कर रहे हैं ये हमेशा कोई नहीं कर सकता, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट में हमने अपने लोगों का अधिकार को सामने रखा है और अपना स्वार्थ को सामने नहीं रखा है। आप मुझे देख लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल से निकल कर यहाँ आया, लेकिन
मैंने आज तक अगर मुझे अपने बारे सोचना होता तो मैं गवर्नमेंट से बैठकर कोई डील कर लेता, कोई निगोशिएट कर लेता, एमपी का पोजीशन ले लेता, नीरमहल वापस ले लेता, अपना संपत्ति वापस ले लेता। लेकिन नहीं, आज भी मैंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तो ये मूवमेंट है, इसमें आप लोग जुड़िए, यूथ जुड़िए, महिला जुड़िए, और अगर हम लोग सब जुड़ेंगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके बोला, एडीसी के लिए 1300 करोड़ का पैकेज निकला किया है, इसके बारे में आप